ध्रुव राठी प्रेजेंट टाइम नंबर वन यूट्यूबर इन इंडिया, ध्रुव राठी नंबर वन इन्फॉर्मेशन चैनल इन इंडिया, ध्रुव राठी नंबर वन ट्रेंडिंग चैनल इन इंडिया, ध्रुव राठी नंबर वन वायरल चैनल इन इंडिया, ध्रुव राठी मोस्ट व्यूज्ड चैनल इन इंडिया। अगर आप गूगल से पूछोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेंगे, अलग डेटा मिलेंगे। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो भी आपको सही डेटा नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर इंडिया के जनता से पूछोगे, लोकल पब्लिक से पूछोगे, हर स्टेट में अलग अलग जगहों पर जाके युवाओं को पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम नंबर वन यूट्यूबर इन इंडिया ध्रुव राठी। करंट टाइम ध्रुव राठी के जो सब्सक्राइबर है वो है 20.1 मिलियन, मतलब 2 करोड़ के ऊपर। अब जब ये वीडियो देख रहे हो तब और भी 2-4 लाख बढ़ चुके होंगे, इतने तेजी से सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 6 महीने से ध्रुव राठी का जो सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए है वो है 5 से 6 मिलियन। लास्ट मंथ ओनली मे मंथ में ध्रुव राठी का जो सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए है वो है 2.5 मिलियन। करंट जो व्यूज आते हैं 270 करोड़। पूल के जो सर्च रिजल्ट और चैट जीपीटी के जो डेटा, इसके साथ इंडिया के जो आम जनता, जो युवा है, उनके डेटा मैच नहीं करेंगे। यहीं पर अभी तक इंसान आगे है, AI पीछे है। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम सबसे ज्यादा व्यूज इन्हीं के आ रहे हैं। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या है, ध्रुव राठी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इनके चैनल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसी के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपने यूट्यूब चैनल को कैसे आगे ले जाना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कैटेगरी चूज करना है, कैसे नीश चूज करना है, कैसे टॉपिक डिसाइड करना है, सारे कुछ आपको इस एक वीडियो से मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर एंड तक, और हो सके तो वीडियो को अभी कभी लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3 महीने से एक चैनल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सबको पीछे छोड़ दी। इससे पहले जानना पड़ेगा ध्रुव राठी चैनल के कैटेगरी क्या है। पता है आप लोगों को, पूछ के देखना बड़े बड़े यूट्यूबर को। कोई कहेगा कि इन्फॉर्मेशन चैनल, कुछ यूट्यूबर बोलेगा एडुकेशन चैनल, कुछ यूट्यूबर बोलेंगे पॉलिटिकल चैनल, करंट अफेयर चैनल, साइंस चैनल, टेक्निकल चैनल। किसको छोड़ के किसको पकड़ोगे? किसी किसी ने तो ये भी कहते हैं फैक्ट कैटेगरी के चैनल। और आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, चैट जीपीटी को पूछ लेना, यही बताएंगे इतने सारे कैटेगरी। एक्चुअली ये सारे कैटेगरी नहीं है, ये सारे ध्रुव राठी के चैनल के नीश है। पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन, एडुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, फैक्ट, इतने सारे नीश के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, हर वक्त एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हर 2-3 महीने के अंदर अपना नीश चेंज करते रहते हैं। आप अगर किसी भी बड़े यूट्यूबर को पूछोगे वो कहेगा कि चैनल क्रिएट करने से पहले अपना कैटेगरी चूज करें, उस कैटेगरी के ऊपर अपना नीश चूज करें और एक नीश पर काम करें, नहीं तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्रुव राठी ने ऐसा क्या कर दी कि इतने सारे नीश के ऊपर काम करते हुए भी, इतने सारे कैटेगरी चेंज करते हुए भी चैनल को इतने तेजी से ग्रो कर लिया? इनका सब्सक्राइबर तो कभी 1.5 नहीं हुआ। क्यों? इसका एक ही रीजन है, और ये चैनल इतने तेजी से आगे बढ़ने का वही रीजन है, सही टाइमिंग। जहां पर हम सारे यूट्यूबर गलती कर देते हैं, मतलब सही टाइमिंग पर सही टॉपिक। मान लो इंडिया में IPL चल रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स चैनल है, आप वीडियो बना रहे हो फुटबॉल के ऊपर, सही टाइमिंग हम सभी मिस कर जाते हैं। मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ, आप भी कर चुके हो। ध्यान से सोचना, ये सबसे बड़ी चीज है एक YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए। सही टाइम पर सही टॉपिक चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मेरा टेक्निकल चैनल है, मैं YouTube टिप्स देता हूँ इस चैनल पर। अगर कोई भी अपडेट के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, अपडेट आ गया है सुबह 5 बजे, मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 दिन के बाद, तो वीडियो में व्यूज आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि सही टाइमिंग पर सही टॉपिक मैंने चूज नहीं की। और ये सारे नए यूट्यूब क्रिएटर करते हैं, और इसे कहते हैं गोल्डन टाइम। अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर गोल्डन टाइम पर गोल्डन टॉपिक चूज नहीं करेंगे तो हम हमारे चैनल को कभी भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। थोड़ा बहुत अर्निंग तो कर लेंगे, लेकिन चैनल को शिखर तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इस फंडा को जो समझ ली, जो क्रिएटर, जो यूट्यूबर, वो अपने चैनल को ग्रो करके ही छोड़ेगा। और ये समझने में किसी किसी को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, ये एक्सपीरियंस से बनते हैं। जितना दिन आप YouTube पर काम करोगे, YouTube पर वीडियो बनाओगे, आपके नीशेस पर आप अलग अलग बड़े यूट्यूबर उनके वीडियो देखोगे, रिसर्च करोगे, तो आपके नॉलेज गेन होंगे और आपको समझ में आ जाएंगे कि किस टाइम पर किस टॉपिक को आपको डिसाइड करना है आपके चैनल के लिए। यही कर दिया ध्रुव राठी ने।
सही टाइम पर सही टॉपिक चूज कर लिया। ध्रुव राठौर ने एक वीडियो बना दी डिक्टेटर से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। पॉलिटिकल वीडियो है, किसके फेवर में है नहीं है आप लोगों को पता है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, लेकिन ये वीडियो वायरल चला गया। ध्रुव राठौर को भी पता नहीं था इस वीडियो बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले, कि ये एक वीडियो उनके चैनल का हुलिया बदल के रख देगा। वैसे ये वीडियो बहुत ही रिस्की था, ये भी हो सकता था कि ध्रुव राठौर का चैनल यूट्यूब से हमेशा के लिए उड़ जाए, फिर भी उन्होंने बनाया। इन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारे निश के ऊपर काम की, खास करके एडुकेशन के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर वीडियो बनाता था। इतने सारे पॉलिटिकल वीडियो एक साथ ध्रुव राठौर ने कभी नहीं बनाया, लेकिन ये एक वीडियो डिक्टेटरशिप, इस वीडियो की वजह से लगातार ध्रुव राठौर ने इसी टाइप के वीडियो बनाता जा रहा है और हर एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, अभी इंडिया में लोकसभा चुनाव चल रहा है, फोर्थ फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी फिफ्थ सिक्स सेवन तीन फेज बाकी है, मतलब और भी बहुत सारे इस टाइप के वीडियो ध्रुव राठौर के चैनल पर आने वाले हैं। हर एक बड़े यूट्यूबर, यूट्यूब टिप्स देने वाले बड़े यूट्यूबर बताते हैं कि हमेशा एक निश पर काम करना चाहिए, लेकिन भाई अभी जमाना बदल चुका है, वही घिसे पीटे एक ही टाइप के कॉन्टेंट नहीं चलेंगे यूट्यूब पर। हर दो तीन महीने के अंदर आपको अपना निश चेंज करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके चैनल को बूस्ट मिलेंगे, नहीं तो कभी नहीं मिलेंगे 2024 में। आप मेरे बात ध्यान से अपने चैनल पर अप्लाई करते हुए मिला लेना। ये जो कहते रहते हैं ना एक ही निश पर काम करो, एक ही निश पर काम करो, नहीं तो आपका चैनल डूब जाएंगे, बिल्कुल गलत है। इनका जो सोच है ये बहुत ही पुराने ख्याल के है, इनके चक्कर में मत पड़ो। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आपके चैनल एक जगह पर जाके स्टैंड हो जाएंगे, फिर दोबारा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप एक चैनल पर ब्लॉग डाल रहे हो, कल टेक डाल रहे हो, कल कुकिंग डाल रहे हो, कल आप फैक्ट के ऊपर वीडियो डाल रहे हो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपके कैटेगरी एक ही होना चाहिए। अगर आप टेक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आप फेसबुक टिप्स के ऊपर काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हो, आप अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट के रिव्यू कर सकते हो, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके नॉलेज है तो आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो, हार्डवेयर के ऊपर वीडियो बना सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग के ऊपर वीडियो बना सकते हो, मतलब आप आपके कैटेगरी के अंदर जितने सारे नीश है उस नीश के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहिए हर दो तीन महीने के अंदर, नहीं तो चैनल एक वक्त के बाद पूरी तरह से बैठ जाएगी, जो अभी हो रहा है बहुत सारे बड़े चैनल के साथ। सो पूरे वीडियो से आपको क्या समझ में आए, आपको अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करना है, सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, क्यों आज के डेट पर ध्रुव राठौर के चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्यों Instagram रील्स का जमाना होते हुए भी, YouTube शॉर्ट्स का जमाना होते हुए भी एक लॉन्ग फॉर्म चैनल पर, जिसके चैनल पर हर वीडियो 20 मिनट के ऊपर है, ऐसे चैनल पर एक महीने में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, क्यों हर घंटे में लाखों नए व्यूअर्स ध्रुव राठौर के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्यों इंडिया के ज्यादा यूथ एक ना एक बार इनके चैनल को विजिट जरूर कर रहे हैं। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी आप लोग कमेंट करके बताना हम हमारे चैनल को कैसे आगे ले जा सके, कमेंट जरूर करना। यही कहते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय, जय हिंद।